बना रहे मध्यांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको दमोह जिले के वनवार में, जहां लॉकडाउन में ग्रामीण दुकानदार को पुलिस द्वारा की गई मारपीट का वीडियो वायरल करना पड़ा महंगा, जिससे युवक को पुलिस का गुस्सा भी झेलना पड़ा। पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं बच्चियों को भी नहीं छोड़ा और रात भर हवालात में रखा बंद। युवक नोएडा थाना अंतर्गत ग्राम बनवार में जूते चप्पल की दुकान चलाने वाले बिहारी साहू के घर का है, जहां चौकी के मुंशी ने एक पुलिसकर्मी के साथ 13 अप्रैल को बिहारी साहू को समझाइश देने के साथ दुकान खुले रखने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की थी। फरियादी ने बताया कि पहले साहू परिवार द्वारा पुलिस से मारपीट करने का मामला सामने आया और पुलिस द्वारा फरियादी बिहारी साहू के परिजनों पर कई धाराओं के तहत मामला बनाया गया, लेकिन इसी मामले में दूसरे दिन एक नया मोड़ आया, जब पीड़ित परिवार के सदस्यों ने पुलिस द्वारा की गई मारपीट के वीडियो वायरल की शिकायतें की और अपने सामाजिक संगठन से भी सहयोग की अपील की। नतीजा ये निकला कि पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार चौहान ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी संजय सिंह को लाइन अटैच कर दिया और जाँच के आश्वासन दिए। मारपीट चालू कर दी सर, हम लोग को सबको मारा, फिर उसके बाद वो बड़े उनके और बड़े सर आ गए, पहले वो दूसरे आए थे तो वो आके हम लोग को मानने लगे, वो वीडियो डला है जो जबरदस्ती घर के अंदर आ रहे हैं, हम लोगों ने रोका है तो, और फिर उसके बाद बहुत सारी बाद में हम लोगों ने जब वो चले गए बोल के गए कि हम बहुत सारी पुलिस लेके आएंगे, तो हम लोग सर बहुत डर गए, तो हम लोगों ने सोचा कि ये मतलब फिर से आएंगे तो मारेंगे हमारे पापा को फिर से, और हम लोग को भी मारा था सर, भैया को बहुत जोर से मारा था सर। कितने मारा है आप लोगों को? बनवार के चौक के जो पुलिस वाले थे पहले उन्होंने मारा, फिर बाद में सर बहुत सारी पुलिस आ गई, तो हम लोगों ने गेट नहीं खोले, तो वो पीछे से दरवाजे से आगे पीछे दीवार थी तो वहाँ से चढ़ के हम लोग के गेट वेट तोड़ दिए साहब नाम, और हम लोग अपने घर के अंदर थे, दरवाजे लटके थे, सड़क का तारा लगा था, और ये एक मुंशी और एक सिपाही दो जने आ गए, तो आके आ रहा कहने लगे एक काम करो 5,000 रुपया हमको दो और सब अब बाजू से दुकान चलाते रहना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और भीड़ बस नहीं पालना, तो हमने भैया ये बीमारी चल रही है ना, हमको पैसे देने हैं ना, जब बीमारी लेने का बाहर का कोई भी आदमी आ जाए, अगर एक बीमारी लग जाए तो हमारा पूरा परिवार और गांव बैठ जाएगा, तो हमने भैया हम पैसा नहीं देंगे, तो कहने लगे दो मिनट खड़े रहे, फिर एक काम हमारी कॉलर पकड़ी और कहने लगे चलो आप साहब ने बुलाया है, तो हमने भैया हम नहीं आएंगे, हमने पकड़ के खड़े होगा वहाँ पर, इतने में हमारे बच्चे ने सामने देखा सब दौड़ के आए, क्यों भाई साहब क्यों पकड़ रहे, तो भी सबको मारा, फिर हमको मारा, हमारे बच्चों को मारा और पटक दिया, फिर हम लोग नहीं गए मतलब, तो उनने फ़ोन लगा के चौकी प्रभारी को बुलवाया, तो चौकी प्रभारी ने दरवाजे से पड़ के इतनी मारधार चालू कर दी कि पूरे परिवार को हमको अस्त व्यस्त कर दिया, और बस मार मूर के और भाग गए वो लोग, और कहने लगे और भाग गए और बोलने लगे कि अभी आज दो घंटे बाद आते हैं, अभी 50 पुलिस आएगी तो उन लोगों को रोन देगी, तो हम लोग डरों के मारे अपने पूरे गेट लगाएँ और अंदर घर में पड़े थे, तो बस दो घंटे बाद पुलिस आ गई, तो पुलिस आई तो पुलिस की हमारी 10 फुट की दीवार है पीछे की, आगे के दरवाजे नहीं तोड़े उन्हें, पीछे के 2 दरवाजे तोड़ के और सीधे अंदर आने के, और हमारी बच्ची को, और बनवार की पुलिस थी, लेडीज़ पुलिस नहीं पड़ी अंदर, सिर्फ जेंट्स पड़े, लेडीज़ पुलिस तो बाहर खड़ी थी, जेंट्स पड़े, और जेंट्स ने दरवाजे तोड़ के हमारी बच्ची बच्चियों को पूरों को इस बुरी तरह से मारा है कि आप देख लेना कौन कौन सी दशा क्या है उनकी, और मार मूर के हम लोगों को बाहर पटक दिया, और बाहर पटक के पर हमारी बच्चे को जो छोटा वाला बच्चा है इसको एक लठ मार दिया, इसको गश्त आ गया, तो हम लोग हमारी बीवी और हमारे बच्चे लिपट गए कि हमारा बच्चा मर जाएगा, तो उन्होंने और बच्ची साहब को लिपट गई कि साहब बचा लो ऐसा, तो साहब ने एक इंजाम लगा दिया कि ये रिवाल्वर तान रही थी, ये एक इंजाम और अलग से लगा दिया, और हम लोगों को उठा के नोहटा ले गए, और नोहटा हाँ हम पूरे परिवार को नोहटा ले गए, तो नोहटा में हमको हवालात में डाल दिया पूरों को, और सुबह हमारे ऊपर कहने हमसे कुछ नहीं पूछा कि तुम्हारी क्या गलती है कि तुमने कुछ करा कि नहीं करा, मतलब कोई हमारे तरफ से कोई पक्ष नहीं पूछा गया, उन्होंने अपने मन के पूरे 11 धाराएं लगा के और हम लोगों को नोएडा से दमो कोर्ट में करवा दिया, तो कोर्ट आ गया, तो कोर्ट से हमारे ये जो वकील अपन ने लगाए थे थोड़े से, सो उन्होंने जमानत अपने करवा दी और हम लोग घर चले गए, और घर जाने के बाद में 1 घंटे के अंदर 4-5 पुलिस वाले फिर आ गए हम लोगों के अंदर, तो उन्हें खुलवा के बोलने लगे कि एक काम करो अब तुम्हारी जमानत सब हो गई है, अब एक काम करो एक धारा और आपके ऊपर लग जाएगी, बहुत कर्री वारी धारा है बा, इसे आप एक काम करो एक वीडियो बनाओ और जैसे हम कहते हैं आप वैसा कहते चलो, तो हम लोगों के दबाव के कारण मतलब डर के कारण हम लोग इतने बुरी तरह से डरे थे, तो उन्होंने हमसे एक वीडियो बनवाया कि पुलिस ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, पुलिस ने सब अच्छा किया, उन्हें अपने पक्ष में बनवा के और वायरल करवा दिया। उसमें एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया
ये पुलिस 5,000 रुपये लेकर के लॉकडाउन में दुकान खुलवा रही थी और नहीं देने पे मारपीट की गई। इसके संबंध में जांच की जा रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है और जांच मुझे सौंपी गई है, जिसकी जांच मैं कर रहा हूँ। आने पर जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।